कांग्रेस प्रतिनिधि ने की बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की डीजीपी से शिकायत दे। कैलाश विजयवर्गीय पर माफियाओं को संरक्षण देने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान के बाद से सियासत ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल कांग्रेस प्रतिनिधि ने आज कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधि के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके इस बयान से प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, साथ ही उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। प्रदेश के उनके बयान से हिंसा का माहौल हो सकता है। हमने डीजीपी को ज्ञापन सौंपते हुए कैलाश विजयवर्गीय पर मामला दर्ज करने की मांग की है। गौरतलब है कैलाश विजयवर्गीय ने माफियाओं के खिलाफ चल रही मुहिम का विरोध करते हुए इंदौर के अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में कहा था कि यदि मैं एक संघ का पदाधिकारी नहीं होता तो पूरे इंदौर में आग लगा देता। कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों से इंदौर को जला देने की दी थी धमकी, जिस पर कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता।